हेलो बच्चों, आज हम आपको पार्ट पांच जैसे को तैसा पेज नंबर 41 से पढ़ाएंगे। तभी वहां हरदास को ढूंढते हुए सुनंदा, अफसर और बुढ़िया आ पहुंचे। जब वो दुकान पे बैठकर खा रहा था उसी समय की बात है। तभी वहां हरदास को ढूंढते हुए सुनंदा, अफसर और बुढ़िया आ पहुंचे। सबने अपना अपना दुखड़ा रोया तो मुखिया ने पंचायत सभा बैठा ली और सभा की कार्यवाही शुरू की। मुखिया बोला, क्यों हरदास, क्या यह सच है कि तुम इन सब लोगों को ठगा है? इस पर हरदास कुछ न बोला और खामोश रहा, केवल माथे पर चार उंगलियां रखकर दिखाई। मुखिया ने सोचा कि शायद इसमें कोई रहस्य है, शायद यह घूस में मुझे 4,000 रुपए देगा। मुखिया ने तुरंत सभा बर्खास्त कर दी और सबको अपने अपने घर भेजने के बाद उसने सुनंदा से कहा, क्या तुमने कभी हड़िया को बोलते हुए सुना है? सुनंदा बोली, नहीं। फिर तुमने हरदास को पैसे क्यों दे दिए? तुम झूठ बोल रही हो, चली जाओ यहाँ से। मुखिया ने बाद में अफसर से कहा, क्यों साहब, आवारा जानवर अच्छा होता है या पालतू? अफसर ने जवाब दिया, पालतू। मुखिया ने कहा, यह जानते हुए भी तुमने अपना पालतू जानवर हरदास को क्यों दे दिया और उसका आवारा कुत्ता क्यों ले लिया? तुम अब झूठ बोल रहे हो। अफसर भी पेज नंबर 41 अफसर भी सक पका कर चले गए। अब मुखिया ने बुढ़िया से कहा, क्यों तुमने कभी सुना है कि घोड़ा रुपए की लीद देता है? उसने कहा, नहीं मुखिया जी। तो तुमने यह जानते हुए भी घोड़ा क्यों खरीदा? इसमें हरदास का कोई दोष नहीं है। फिर मुखिया ने दुकानदार से कहा, सामान लेने से पहले उसको परखने के लिए ही देखा, कोई सामान खरीदा तो नहीं था, इसमें हरदास की कोई गलती नहीं है। सारे लोग मन महसूस कर चले गए तो मुखिया ने कहा, लाओ 4,000 रुपए निकालो। इस पर हरदास ने कहा, मैंने 4,000 रुपए देने के लिए कब कहा? मैंने तो माथे पर चार अंगुलियां यह कहने के लिए रखी थी कि मेरा नाम 4 अक्षरों वाला है। इस पर मुखिया खूब जोरों से हंसा, फिर अपना भेष हटाकर कमर में लंबा चाकू निकाला तो हरदास डर गया। मुखिया के रूप में वह उस इलाके का खतरनाक डाकू मंगल सिंह था। कौन था? डाकू मंगल सिंह था। डाकू ने हरदास के पास से सारा माल ले लिया और चलता बना। हरदास जैसे ठग को सबक मिल गया था। आप इसको पढ़ेंगे और शब्द का अर्थ लिखकर याद करेंगी।